तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक नया पार्सल मंगाया है जिस पे मैंने अपना नया पोको X4 Pro 5G का मोबाइल मंगाया है यहाँ पर। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। और ये कुछ इस तरीके से पैकिंग पे आता है दोस्तों। तो इसको मेरे को उम्मीद थी कि ऐसे पैकिंग में नहीं आएगा, बॉक्स में आता था, बट अभी यहाँ पर ये ऐसी पैकिंग पे दे रहे हैं। ये पैकिंग सील रहती है, इसमें कोई तरीके का कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर उसे फ़ोन निकालते हैं। फ़ोन निकालने के बाद देख सकते हैं हमारा बॉक्स कैसा चमचमाता हुआ बाहर निकला है। पोको X4 Pro 5G की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए ऊपर ही मिल गई। और बॉक्स कुछ इस तरीके से देखने में देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सील लगी हुई है। चलिए इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर नाखून से नहीं निकलेगी, तो हम चलिए इसको अपने चाकू, मैंने मंगाया चाकू से, चलिए निकालते से। तो इसे चाकू से हम इसे कट करेंगे दोस्तों, यहाँ से चाकू से। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो सील है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, कागज़ थोड़ा सा अच्छे वाला है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे शील्ड को कट कर दिया है और हम अपना फ़ोन निकालते हैं दोस्तों। तो ये हमारा देख सकते हैं फ़ोन। ये तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं एक ऊपर कवर मिल गया, और इस कवर में हमारा सिलिकॉन केस कवर, जो कि इसमें दिखाने को इतनी आवश्यकता है नहीं। मैं मेन फोकस मेरा फ़ोन है, तो चलिए इसको निकालते हैं जल्दी से। ये हमारा जो कि फ़ोन है, फ़ोन निकलने में थोड़ा सा रखा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमने इसे निकाला और ये हमारा फ़ोन है, देख सकते हैं ब्लू कलर का फ़ोन है। कितना मस्त लग रहा है, देखते हैं चमचमा रहा है कितना ज़्यादा, बिल्कुल साइन मार रहा है भाई। तो इसको हमने हटाते हैं और यहाँ इसके नीचे देखते हैं क्या मिला है। इसको हटाने के बाद यहाँ पर मिलता है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमें निकला एक नया टाइप सी केबल, तो इसको भी हम बाहर निकालते हैं दोस्तों। आपको दिखाते हैं किस कलर का है, ये देख सकते हैं हमको ऑरेंज कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पर टाइप सी और टाइप ए केबल है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टाइप ए है, ये ऑरेंज कलर की है, और ये इधर टाइप पर सी पोर्ट है जिसे हमारा मोबाइल चार्ज होने वाला है। और हम इस पे, और ये हमारा जो है कि अडाप्टर है दोस्तों। अच्छी बात है कि इस फ़ोन ने मुझे अडाप्टर दिया है, और अदर मैं एक फ़ोन देख रहा था उसमें अडाप्टर नहीं था, सैमसंग में अडाप्टर नहीं दे रहे थे। देख सकते हैं इसमें अडाप्टर मुझे मिला, 67 वाट का अडाप्टर है, बहुत अच्छी बात है। इस अडाप्टर से तो भाई मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप का अडाप्टर 65 वाट का है और ये 67 वाट का है। तो आई थिंक मेरा लैपटॉप अच्छे से चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप टाइप सी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोन निकालते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन, तब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर आपको एक फिल्म मिलती है पतली सी, यहाँ पर दिख नहीं रही होगी, तो यहाँ पर ऊपर चढ़ी हुई है, और यहाँ पैक में कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है। यहाँ पर मुझे कवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टूट गया तो वह दिक्कत होगी। और कवर और जो कि थोड़ा सा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ पर फ़ोन अपना बूट करते हैं, फ़ोन हमारा बूट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर पोको की ब्रांडिंग देखने के लिए आपको मिलेगी। तो हम अपना फ़ोन अच्छे से बूट कर लेते हैं, तो अभी ये ओपन ही हो रहा है, एक सेकंड रुक जाए। तो फ़ोन बूट हो गया है, अब हम इसका सेटअप कर रहे हैं। सेटअप मैंने फास्ट कर दिया है, क्योंकि सेटअप को फास्ट तेज़ी से कर देते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन पाए। तो उसका सेटअप तेज़ी से कर रहे हैं, तो इसका सेटअप हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल पर कवर लगा दिया है जो साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर कवर वही सिलिकॉन का कवर है, नॉर्मल जैसे सभी फ़ोनों में मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं साथ मिला हुआ। तो मैंने यहाँ पर कवर लगा दिया है, और ये हमारा मोबाइल है, इसको मैं बगल में रख देता हूँ। और यहाँ पर जो बॉक्स मिला है इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है इस पर। पहले तो मैं बॉक्स का प्राइस मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जो बॉक्स का प्राइस है दिख रहा है आपको, कि यहाँ पर देख सकते हैं 23,999 रुपये है, जो कि मुझे यहाँ पर 17,999, लगभग 18,000 का मोबाइल मैंने लिया है। और यहाँ पर जो बॉक्स है इसमें क्या क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एक नज़र डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं एमोलेड स्क्रीन है, यहाँ पर लिखा हुआ है रियलिटी फ्लो, 120 GHz की एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD है दोस्तों यहाँ पर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और यहाँ पर ड्यूल 5G स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, यहाँ पर 5G प्रोसेसर है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, 5G के बैंड जो होते हैं 7 बैंड्स मिल जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो सफिशियंट है 7 बैंड्स के लिए ये। और इसमें जो भी बैंड्स मिलते हैं 7 बैंड्स
अधिकतर चीज़ें आपको कवर कर लेते हैं, आपका जो सिग्नल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर भी इसमें मेंशन होगा, भी मैं दिखा दूंगा, यहाँ 64 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा है और यहाँ पर 16 मेगापिक्सल को फ्रंट कैमरा है जो सेल्फी का है। यह देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 12 nits पीक ब्राइटनेस है, यहाँ पर DCI-P3 Wide कलर है यहाँ पर, और देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो लेंसेस है यहाँ पर। जो 6 GB RAM है सर दोस्तों, जो 6 GB RAM है जो यहाँ पर दी हुई है, 6 GB का यहाँ पर मेंशन होगा कहीं पर, ये देख सकते हैं 6 GB की रैम है। और 6 GB में यहाँ पर आप up to 3 GB एक्सटेंड कर सकते हैं टर्बो बूस्ट करके आपकी, मगर ये जो 3 GB आप एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये आपके मेमोरी से ही जाएगा, तो 6 GB से सफिशियंट है, इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगर आप चाहें तो इसे टोटल 9 GB तक बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो जैसा हमने मैंने अभी दिखाया था चार्जर, जो कि 67 वाट का निकला है, 5000 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी बात है, 360 Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो कि बहुत ही इसमें अच्छा दिया हुआ है। ड्यूल स्पीकर है यहाँ पर देख सकते हैं, और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, अभी मैं आपको मोबाइल में दिखा दूंगा। 7 5G बैंड सपोर्ट मिल रहे हैं, IP53 रेटिंग मिल रही है वाटर रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन की, यह फ़ोन नॉर्मल है, हल्का बहुत पानी अगर ऊपर से पड़ जाए तो ठीक है इसको, मगर पानी में ना डालिएगा नहीं तो इसका ये डैमेज हो जाएगा। वैसे वाटर प्रूफ फ़ोन नहीं है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस पहले तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। और स्पीकर वाकई में बहुत अच्छे हैं, मैंने भी मैं इसका स्पीकर टेस्ट भी आपको करा के दिखा दूंगा। और यहाँ पर हम चलते हैं, इसमें मिलता क्या है हमें ये देख लेते हैं। तो मैंने ऑन करते ही यहाँ पर देख सकते हैं, पहले ही यहाँ पर तुरंत बोला कि ये ऐप आप अपडेट कर लीजिए। और ये ऐप का जो साइज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो ऐप का साइज़ है लगभग साढ़े, ये देख सकते हैं 553 MB का साइज़ है। और यहाँ पर अबाउट फ़ोन में चलते हैं, अबाउट फ़ोन में चलते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं MIUI का लेटेस्ट है, 13 वर्जन है। और यहाँ पर देख सकते हैं 128 GB का वेरियंट है जैसा मैंने दिखाया। और अबाउट ऑल स्पेक्स में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं 6 GB + 2 GB आप और एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि मतलब 8 GB बना सकते हैं, मगर ये यहाँ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं बढ़ाने के लिए आ जाएगा, मगर मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं बढ़ानी रैम। और ये प्रोसेसर आपका दिखा रहा है स्नैपड्रैगन 695 का है, 2.2 GHz का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है जैसा बताया, 4 कोर का प्रोसेसर है दोस्तों, ये ऑक्टा कोर का मतलब होता है 4 कोर होते हैं उसमें। और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं अभी 11 है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, मगर अपडेट आ गया है दोस्तों, ये 12 में आप अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 अपडेट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं मॉडल नंबर बेस्ट वही सब इंफॉर्मेशन है। और कैमरे की बात की जाए, मैंने कैमरे में फ़ोटो मैंने खींची है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में जो फ़ोटो मैंने खींची है, अभी अभी फ़ोटो मैंने ली है, तो अभी ये देख सकते हैं ये फोटो है, और फोटो देख पा रहे हैं मतलब काफ़ी अच्छी फोटो देख सकते हैं खींच रहा है, मतलब प्राइस रेंज पे अच्छा फ़ोन है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा जो की है, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये 8 मेगापिक्सल है, ये 2 मेगापिक्सल है, और ये AI का जो है ये ऐसे ही दिया हुआ है, और ये फ्लैश लाइट है 64 मेगापिक्सल देख सकते हैं दिखा रहा है, ट्रिपल कैमरा है। तो कि और फ्रंट में ये देख सकते हैं नॉच है इसका, चलिए स्पीकर टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ। लाउड है स्पीकर में देख पा रहे हैं, तो स्पीकर मतलब लाउड है और बेस अच्छा है स्पीकर में, इसमें बेस भी आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरे फ़ोन है उसमें भी, वीवो का फ़ोन में बेस नहीं निकलता भाई, इतना तगड़ा इसमें बेस निकल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो स्पीकर के मामले में मुझे तो पसंद आया, और कैमरा भी इसका अच्छा है दोस्तों। ओवरऑल फ़ोन आप चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये फ़ोन मंगाया है
बहुत ही रिसर्च करके कि उसके एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है जो कि 18,000 रुपये में अदर ब्रांड मुझे नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर मैंने हर चीज़ देखते हुए फ़ोन मंगाई है। गेमिंग की बात की जाए, अगर आप गेमिंग के पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं तो हाँ, गेमिंग भी कर देता है 1080 के, आप पबजी जैसे गेम खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गेमिंग के लिए भी अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें क्योंकि दोस्तों मुझे 15,000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे कम से कम 15,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं जाता है। और अगर आपको ये मोबाइल परचेज़ करना है तो इसको मैं परचेसिंग लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं इसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।